आज की प्रमुख सुर्खियों की बात करें तो आज की प्रमुख सुर्खियों के साथ जो आज बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, अभी अभी खबर आ रही है कि गुजरात से दो कश्मीरी युवकों को पकड़ा है जो कि जिनके ऊपर चार्जेस थे स्टोन पेल्टिंग के। ये स्टोन पेल्टिंग उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे की थी और उसके बाद वो लापता थे। तो गुजरात के कच्छ इलाके से जो है इन दोनों कश्मीरी युवकों को पकड़ा है जिनके अंदर एक माइनर भी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनके ऊपर 3 FIRs थी स्टोन पेल्टिंग्स की। ये आज का मुद्दा रहेगा और इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और किस्से के ऊपर आप बात करेंगे, वो ये है कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में अपने कार्यकर्ताओं को अपने खास करके बात करें तो कमर कसने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि वो इलेक्शन अकेले लड़ेंगे, एनसी किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, वह अकेले ही सरकार बनाने का भी दावा किया। इसके ऊपर भी बड़ी बात करेंगे। आइए बात करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की। पहली बड़ी खबर की बात करें तो एक और करारा झटका लगा है मैडम महबूबा मुफ्ती को, यानी कि पीडीपी पार्टी को। मैडम को ये करारा झटका लगा है क्योंकि डॉक्टर हसीब दराबू, जो कि काफ़ी देर से इस पार्टी से निराश थे, आज आखिरकार उन्होंने ऑफिशियली अपनी तरफ से रिज़ाइन की घोषणा कर दी। वह उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में एक नई सोच के साथ और एक नई पार्टी के साथ भी जुड़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये नहीं बताया है कि वो कौन सी नई सोच हो सकती है, शायद वो सोच थर्ड फ्रंट भी हो सकती है। लेकिन पीडीपी के लिए एक और करारा झटका है डॉक्टर हसीब दराबू का रिज़ाइन करना। अगली खबर की बात करें तो आज कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके के मचिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया। इस सीज़ फायर के उल्लंघन में दो जवान घायल हुए, जिनमें से एक आर्मी के जवान की मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं और एक जवान घायल है। ये पाकिस्तान की एक कह दें कि एक फ्रस्ट्रेशन है जो इसी तरह से निकल रही है क्योंकि अब पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो अब सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। अगली हेडलाइन ये भी सीज़ फायर उल्लंघन से जुड़ी हुई है। आज रजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ जिसके अंदर एक बीएसएफ के जवान शहीद हो गए। तो आज दो जगह पर पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया जिसके अंदर हमारे दो जवान शहीद हो गए हैं, जिनके लिए हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। अगली खबर की बात करें तो आज पीडीडी डेली वेजर्स व कैजुअल लेबर्स द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और उनका ये कहना है कि उनकी पेंडिंग वेजेस उनको मिले। अगर गवर्नर साहब या फिर उनके एडवाइज़र ये वीडियो देख रहे हों तो पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, काफ़ी दिक्कत में हैं और वो लोग रोज़ाना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पेंडिंग वेजेस नहीं उनको मिल पा रहे हैं। आप थोड़ा सा उनके लिए ध्यान दें और उनकी भी बात सुनें। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जो है वो आतंकवादी जाकिर मूसा के साथ जुड़ी हुई है। आतंकवादी जाकिर मूसा एक बार फिर से पंजाब के अंदर स्पॉट किया गया है और ये पंजाब के अंदर जो है पगड़ी डाले हुए देखा गया कुछ लोगों द्वारा, जिसके बाद इंटरनेट पे भी वो तस्वीर वायरल हुई है जो जाकिर मूसा ने पगड़ी डाली हुई है और वो पंजाब के अंदर है और पंजाब के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है अलर्ट की, क्योंकि आप जानते ही हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विपिन रावत द्वारा ये कहा गया था कि पंजाब के अंदर आतंकवादी सक्रिय हो रहे हैं और जाकिर मूसा कोशिश कर रहा है कि वो पंजाब के अंदर जो है कुछ करके जो है आतंकवादियों को सक्रिय करे। अब बात करते हैं आज के प्रमुख मुद्दे की। आज का जो प्रमुख मुद्दा है उसकी बात करें तो दो कश्मीर के जो है युवक हैं उनको गुजरात के कच्छ इलाके से जो है गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये दोनों युवक जो हैं, दोनों युवक इनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग के जो है कुछ चार्जेस थे और इनके ऊपर 3 FIRs लगी हुई थी और इन दोनों युवकों में एक 16 वर्षीय जो है युवक था जो कि माइनर है और साथ में एक 23 वर्षीय युवक जिसका नाम अल्ताफ नाजर बताया जा रहा है। और ये दोनों युवक जो हैं काफ़ी बार जो है इनके ऊपर इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर पत्थरबाजी की है और इनके ऊपर कुछ FIRs भी हैं जिसके बाद ये काफ़ी देर से फरार थे। अब उनको जो है डिटेन किया गया है जो कि ये एक गेस्ट हाउस बुज टाउन में रह रहे थे काफ़ी दिनों से और एक खुफिया जानकारी थी कि वो गुजरात में हो सकते हैं। तो जॉइंट ऑपरेशन में इन दोनों युवकों को जो है वहाँ से
बरामद किया गया है और ये दोनों युवक वही हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी के भी इनकी इनके ऊपर जो है इस तरह की एफआईआर थी, जो कि एक बड़ी खबर है जो कि अभी अभी आ रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अगली खबर की मैं बात करूँगा, जो आज का हम अगला मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो आप जानते ही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से ही जो मेन कर्म भूमि रहती है, जहां से उनको ज़्यादा वोट बटोरने होते हैं, वो रहती है घाटी। घाटी से ज़्यादा जो है कोशिश की जाती है, इसीलिए हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी पॉलिटिक्स करती है तो वो कश्मीर को ज़्यादा जो है देखते हुए पॉलिटिक्स करती है। लेकिन अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो एक बार फिर से कमान संभाली है तो जम्मू से आज कहीं ना कहीं इलेक्शन का एक बड़ा बिगुल बजा दिया है। आज जम्मू के शेरे कश्मीर भवन में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो अपने वर्कर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको संबोधित करते हुए ये भी कह डाला कि अगर वो अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उनको जो है गाड़ देंगे। ये भी शब्द सुनने को मिले, जो कि शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन चलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के लिए इस तरह की नई बात नहीं है। चाहे पीडीपी के एमएलसी फिरदौस टाक कुछ इस तरह की बात करें या आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की है, वो कोई नई बात नहीं है। कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के एक अहम हिस्सा रहता है। चलिए, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि एक 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 कार्यकर्ताओं को टिकट मिलती है और 10 और भी कार्यकर्ता होते हैं उनको नहीं मिल पाती, तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलती तो वो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो आदमी उनकी ही टिकट तोड़ने के लिए उस पार्टी मेंबर को हराए। ये उन्होंने साफ साफ इशारा दिया है। कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब जम्मू के अंदर ये साफ कर चुके हैं कि जम्मू के अंदर उनको जो है ज़्यादा सीटें चाहिए, और उनका भी यही कहना है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है कि वो अपने दम पर ही पूरा इलेक्शन लड़ेंगे, किसी के साथ मिलके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद इलेक्शन लड़ेगी और खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बात की जाए तो 1996 में 2/3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस में ली थी, जिसमें 50 से ज़्यादा सीटें ली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस का डाउन फॉल हुआ है। अगर हम 2002 का देखें तो तब 28 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, फिर उसके बाद 2008 की बात करें तो तब 27 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, और अगर 2014 जो पिछली इलेक्शन की बात करें तो तब सिर्फ 15 सीटें मिली। तो अब मुकाबला 2019 में है। अब बड़ा सवालिया निशान ये है कि 2019 में कितनी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती हैं, और क्या वो जो सीटें मिलेंगी उसके अंदर ये भी चीज़ देखी जाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 35A को लेकर म्युनिसिपल पोल्स को भी बायकॉट किया था। अब जम्मू की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी सारे ऐसे नेता, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें 7 से 8 लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सपेल भी किया था क्योंकि उन्होंने पार्टी से हट के इलेक्शन लड़ा था। अब अगर बात फारूक अब्दुल्ला ये करते हैं जम्मू में कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेनी है, तो उनको अपनी पुरानी कारकर्दगी के ऊपर भी देखना पड़ेगा, और ये सवाल उठते रहेंगे, बार बार उठते रहेंगे कि 35A को लेकर आपने म्युनिसिपल पोल्स को अगर आपने बायकॉट किया तो उसके अंदर आपने जम्मू को देखा या कश्मीर को देखा या लद्दाख को देखा? क्योंकि जम्मू के अंदर तो 35A को लेकर म्युनिसिपल पोल्स को बायकॉट करने के लिए कोई भी जम्मू का एक आदमी भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हमेशा से ही कश्मीर को केंद्र बिंदु रखते हुए ही पॉलिटिक्स करती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिक्स करना और 35A को शील्ड बना के ये कहना कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या इलेक्शन में नहीं उतरेंगे, तो उसमें बड़ी बात है कि कश्मीर को ही देखा गया, जम्मू को उसके अंदर नकारा गया। लेकिन अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ऐसा लगता है कि अगर अपने दम पर और अकेले सीटें लेनी है तो उसके लिए उनको जम्मू व कश्मीर दोनों रीजन्स को साथ लेके चलना होगा, जिसके लिए आज उन्होंने साफ साफ ये बात कर दी कि जम्मू के अंदर उनको पूरा साथ चाहिए, एक एक वर्कर का साथ चाहिए, जिससे उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको जम्मू के अंदर अकेले इलेक्शन लड़ना है। जहां पर उमर अब्दुल्ला हमेशा से कश्मीर को ही केंद्र बना के राजनीति करते हैं, जम्मू के अंदर उस तरह की बात नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि अपनी बातों से ही फेमस हैं, जम्मू के अंदर अलग बात, कश्मीर के अलग बात, लद्दाख के अंदर अलग बात, आज उन्होंने जम्मू के अंदर एक और अलग बात की, जो कि बड़ा ही आश्चर्य हुआ सब जितने भी वक्ता थे उनको भी सुनने वालों को, कि जहां पर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था कि
गवर्नर साहब ने जे एंड के असेंबली को भंग किया है वो सही डिसीजन नहीं है, काला दिन है या फिर अलग अलग बातें की गई, फैक्स मशीन की बात की गई, वहीं आज गवर्नर साहब के इस डिसीजन का वेलकम किया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में संबोधन करते हुए अपने वर्कर्स को ये कहा कि ये एक अच्छा कदम है गवर्नर साहब का और थैंक्स किया गवर्नर साहब को, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, खरीद फरोख्त की जो है राजनीति की जा रही थी। इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर यहाँ पर थैंक्स करते हैं जम्मू में, तो कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि ये सही डिसीजन नहीं था। सामने सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिटिक्स है कश्मीर में अलग और जम्मू में अलग देखने को मिलती है, जो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया। जहां पर एक तरफ कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जो हिस्सा पाकिस्तान का है पीओके का वो उनको दे दिया जाए ताकि ये जो कश्मीर इशू है वो ख़त्म हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, वहीं दिल्ली में जाके 3-4 दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जो हमारा ये सारा कश्मीर है, कश्मीर वो हिंदुस्तान का ही है, हमेशा रहेगा और आगे भी कभी मतलब अलग अलग सी एक विचार वहाँ पर जाके करते हैं, जो हर बार देखने को मिलता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्पीच में, वहीं आज ये भी सुनने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक चेतावनी अपने वर्कर्स को दी है कि आप इलेक्शन में अपने जितने भी नेता हैं उनको जिताने के लिए जी तोड़ की मेहनत करें, नहीं तो जो उन्होंने शब्द यूज़ किए, मैं एक बार कह चुका हूँ, मैं बार बार नहीं वो बात कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज अपने लीडर्स को ये साफ कर दिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कि वो जम्मू का साथ लेकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जिसके अंदर चाहे जम्मू की कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी उस तरह से बात नहीं की हो, लेकिन आज साफ कर दिया उन्होंने कि उनको यहाँ पर इलेक्शन लड़ के, अकेले इलेक्शन लड़ के जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैक्सिमम सीट लेनी है। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी की भी जो है हालत खस्ता ही नज़र आ रही है। डॉक्टर हसीब दराबू पार्टी रिज़ाइन कर चुके हैं, इमरान रज़ा अंसारी पार्टी रिज़ाइन कर चुके हैं और काफ़ी एक MLC विक्रम आदित्य वो भी पार्टी से रिज़ाइन कर चुके हैं, कांग्रेस में जा चुके हैं और भी काफ़ी सारे लोकल नेता रिज़ाइन कर चुके हैं और कुछ नेता अभी कुछ ही दिनों में रिज़ाइन करने वाले हैं, ये कहना है पीडीपी के कुछ नेताओं का जो रिज़ाइन करके आए हैं। और इसके साथ साथ घुटन की भी बात की है उन लोगों ने, कहीं ना कहीं कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो थर्ड फ्रंट सज्जाद लोन लेके आए हैं उसने आज चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो एनसी हो उनको हिला के रख दिया है। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, इसी तरह से हम आपको अपडेट करते रहेंगे सभी खबरों के साथ।